So hello students, welcome to Abhimanu IAS. My name is Rishabh, your faculty of English. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे and also you are preparing well for your examination. So आज के इस सेशन में हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, राइट? उसके लिए थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा चीज़ें कैसे आपको करनी है और अल्टीमेटली दिस सेक्शन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिवीजन, राइट? अब रिवीजन कैसे करोगे? प्रैक्टिस मतलब अल्टीमेटली, राइट? या तो आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल वाला पेज पढ़ लीजिए, ठीक है, या फिर कोई भी आप इंग्लिश का कुछ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो सो ट्राई करिए उसको अच्छे से फोकस के साथ में पढ़िए एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक वुड वांट्स टू कन्वे, राइट? उस चीज़ को समझिए. सो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी. अल्टीमेटली आप सोचोगे कि बिना रीडिंग की एक हैबिट के बिना आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे. अल्टीमेटली यू ऑल्सो हैव टू फेस योर इंटरव्यू. सो रीडिंग इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर सिलेक्शन, राइट? तो आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे. थोड़ा सा आपको अभ्यास 2.0 के बारे में बताना चाहता हूँ. इट हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड ये आपको आपकी सफलता, जो भी आप टारगेट कर रहे हो, जिस भी लाइक आइदर दैट इज़ योर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर फील्ड वर्क के लिए, राइट? तो उसके लिए आपको हेल्प करेगा. उसके साथ में आपको मेहनत करनी है, ठीक है? हर चीज़ इसमें आपको अवेलेबल रहेगी. थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा डिटेल में, बट बिफोर दैट चलिए आज का हमारा ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करते हैं. अब थोड़ी सी ना मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि थीम क्या होगी, ठीक है? आपसे थीम के बारे में पूछा जाता है और एक आपसे टाइटल के बारे में पूछा जाता है, राइट? ये दो चीज़ें हैं जिनमें आपको कई बार डील करना होता है. अब थीम और टाइटल को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि व्हाट इज़ द थीम एंड व्हाट इज़ द टाइटल? तो याद रखिएगा, ये जो थीम है ना, ये होती है, राइट, ये आपको अनक्लियर होगी, मतलब, एंड ये आपको गिवन रहेगी. टाइटल जो आपको होगा वो गिवन होगा, बट थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा. आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना पड़ेगा सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या इसका टाइटल हो सकता है. टाइटल का मतलब कि जो टॉपिक, व्हाट दैट टॉपिक इज ऑल अबाउट, राइट? व्हाट दैट, या जो भी गिवन टॉपिक होगा, व्हाट दैट टॉपिक इज ऑल अबाउट, ये आपका टाइटल में आ जाएगा, ठीक है? कि टॉपिक किसके बारे में है, क्या बोलना चाहता है, ये हर चीज आपकी किसमें आ जाएगी? टाइटल के अंडर आ जाएगी. सेकंड, थीम. अब ये जो थीम है ना, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि थीम कैसे आइडेंटिफाई करोगे. ये जो थीम है, ये तो आपको डायरेक्टली अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ लाइंस मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे L1, जो अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन जो नासा ने मिशन लॉन्च करा है, राइट? L1 स्पेसक्राफ्ट भेजा है जो आदित्य L1, राइट? तो आप इसको जब थोड़ा सा पढ़ोगे तो यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या इसका टाइटल हो सकता है एंड देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस टू एलिमिनेट द ऑप्शंस जो कि सूटेबल नहीं होंगे, ठीक है? सो इस तरीके से आप टाइटल तो ढूंढ सकते हैं आराम से. अब देखिए कि आपको थीम कैसे आइडेंटिफाई करनी है. थीम के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो राइटर है वो क्या कन्वे करना चाहता है. सो थीम का मतलब होगा, थीम मतलब what writer wants to convey, what writer wants to convey, that is theme, ठीक है? what writer wants to convey, that is your theme. ये theme को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा फंडा है. आपको इमोशनल नहीं होना है, यू जस्ट नीड टू फोकस कि राइटर क्या इससे कन्वे करना चाहता है, that would be your theme, सिंपल. तो ये आपकी थीम रहेगी, ओके? टाइटल कैसे, मैंने बता दिया टाइटल कैसे ढूंढना है वो आपको बता दिया, थीम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आई ऑल्सो हैव मेंशन्ड दैट, राइट? अब कई बार आपको टोन को पता करना पड़ता है कि व्हाट इज द टोन, हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट द टोन ऑफ पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन इज आइदर पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, एनकरेजिंग है, क्रिटिकल है ना? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो उसका एक ही सोल्यूशन है, आप जब भी कॉम्प्रिहेंशन को रीड करोगे, ठीक है, अब जैसे मान लो उसने थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा कि ऑप्टिमिस्टिक है ना, नेगेटिव बोल रहा है तो ऑब्वियसली दैट वुड बी पेसिमिस्टिक। अगर पॉजिटिव बोल रहा है, साथ में कुछ एडवाइस दे रहा है इन फ्यूचर, सो दैट वुड बी यू कैन से ऑप्टिमिस्टिक होगी और थोड़ी सी एनकरेजिंग होगी। क्रिटिक कर रहा है, ठीक है, व्यंग्य कस रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो वो क्रिटिक में आ जाएगी, राइट। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करनी है इसकी टोन। तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तीन टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से? एक तो आपको थीम आइडेंटिफाई करनी होती है, थीम, टाइटल आ गया और साथ में आ गई आपकी टोन। थीम, टाइटल एंड टोन, इस बेसिस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज नाउ अ डेज ये एग्जामिनेशंस में एक काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन होता है। एक आधा क्वेश्चन आपको इसमें से, तीनों में से कोई ना कोई मिल जाएगा। दैट वुड बी आइदर योर टोन, योर टाइटल और योर थीम। इज दैट क्लियर? थीम जो राइटर कन्वे करना चाहता है, टाइटल जो आपको पढ़ के उसमें से क्रक्स निकलेगा कि व्हाट दिस पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट, दैट वुड बी द टाइटल। एंड थीम के बारे में बता दिया, और टोन को आप पढ़ के एनालाइज करोगे कि कैसी इसकी टोन है, राइट। चलें फिर नेक्स्ट, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस कॉम्प्रिहेंशन को। ओके अब एक चीज और करनी है आपको, जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व करोगे, आप आरसी को सोल्व करोगे, सो ट्राई करिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना क्वेश्चंस पे लुक डालो, एक बार क्वेश्चंस को देख लो कि क्वेश्चंस, अब जैसे यहाँ पे तो एक पीपीटी की फॉर्म में आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, बट जब आपके सामने पेपर होगा, राइट, तो पेपर में क्या कर सकते हो, फटाफट से क्वेश्चंस देख सकते हो। क्वेश्चंस देख के कीवर्ड्स नोट करिए कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था आपको, ठीक है। हर क्वेश्चन के आगे आप पेपर पर कीवर्ड्स लिखोगे, ठीक है, हर क्वेश्चन के आगे आप पेपर पे कीवर्ड लिखोगे कि ये क्वेश्चन का कीवर्ड, मतलब इसमें क्वेश्चन में हमें ढूंढना क्या है। वो कीवर्ड आपने लिख लिया कि क्वेश्चन नंबर 1 कीवर्ड एक अक्षर में कीवर्ड, नंबर 2 उसका कीवर्ड, नंबर 3 उसका कीवर्ड। अब कीवर्ड्स को दिमाग में रख के आप कॉम्प्रिहेंशन को रीड करोगे। इज दैट क्लियर? ये आपका टाइम सेव करेगा एंड इट विल एंश्योर कि आपका जो मेन फोकस है वो पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने पे ना जाके अल्टीमेटली इसका आंसर ढूंढने पे रहे। मान लो आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, उससे होगा क्या? इफ यू हैवंट रेड द क्वेश्चन प्रॉपरली, व्हाट विल हैपन? जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो आपको वो नहीं पता कि आपको क्या ढूंढना है, राइट। इट्स लाइक कि यू डू नॉट हैव एनी डेस्टिनेशन और आप बस चले जा रहे हो, राइट। तो अल्टीमेटली अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, इफ यू नो व्हाट इज द की वर्ड ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन यू नो कि आपको कॉम्प्रिहेंशन में क्या ढूंढना है, ठीक है, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, राइट। तो ये एक आपको चीज बहुत हेल्प करेगी जब आप एग्जामिनेशन में कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करोगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना। ओके सो बोलता है कि ऑन जनवरी 6 इवनिंग a stream of commands transmitted by scientists and engineers of the Indian Space Research Organization ISRO were translated by a computer on board the Aditya L1 spacecraft into maneuvers। maneuvers मतलब उसकी capability, ठीक है, खुद को hold करने की या फिर उसकी agility, फुर्तीली, ठीक है। Maneuvers that guided it into orbit around an imaginary point in space. Thus, Aditya L1 reached its destination around the L1 Lagrange point. ठीक है? From where it will have an unfettered view of the sun. कि जहाँ से इसके पास में एक unfettered view, unfettered मतलब एक clear cut view वहाँ से मिलेगा. For its expected lifetime of 5 years. जो आदित्य L1 का जो लाइफ टाइम है वो 5 साल का है, राइट। आदित्य L1 इज एन ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन दैट विल स्टडी द सन विद 7 इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज VELC, जो कि किसका रोल क्या है, अ कोरोनाग्राफ, ठीक है। कोरोना एक सन की लेयर होती है, इफ यू नो, राइट। कोरोना एक सन की लेयर होती है, बताइएगा कौन सी लेयर होती है, एक फोटोस्फेयर होती है, राइट, एक फोटोस्फेयर होती है। कोरोना और फोटोस्फेयर, ये सन की 2 लेयर्स होती है। इनका रोल बताइएगा कौन कौन सी लेयर्स होती हैं ये, ठीक है। व्हाट इज द शाइनिंग सरफेस ऑफ सन, बताइएगा, कमेंट करिएगा इसका आंसर। ओके तो बोलता है कि VELC इसका रोल है, अ कोरोनाग्राफ टू स्टडी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स एटमोस्फेयर, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर। फिर आता है SUIT या SUIT, यह है एक अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ठीक है, एक अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। फिर बोलता है सोलेक्सस, ठीक है, एंड HEL1OS टू स्टडी सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस। फिर आता है एस्पेक्स ASPEX एंड पापा, जिसका काम क्या होगा, टू स्टडी द सोलर विंड एंड प्लाज्मा, सोलर विंड और प्लाज्मा को स्टडी करना। इसरो पिक्ड the L1 Lagrange point 1.5 million kilometer from the Earth in the Earth-Sun direction and one of 5 Lagrange points in the Earth-Sun system because the gravitational influences of the two bodies, मतलब Earth और Sun का जो है, of two bodies interact such that a smaller body here will not experience a net tug towards either। मतलब इस पॉइंट पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, ठीक है, मतलब इस पॉइंट के बीच में, क्योंकि दोनों के पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। ओके, सो आदित्य L1 कैन स्टे एट L1 वाइल एक्सपेंडिंग लिटिल फ्यूल, ठीक है। फिर बोलता है इट्स साइंटिफिक मिशन विल बिगिन इन अ मंथ और सो वंस इट्स थ्रस्टर्स एमिशंस ड्रिफ्ट अवे। As such, Aditya L1 supplements India's storied history of observing the sun, dating back to the Kadalikkanal Solar Observatory, which commenced operations in 1901. ठीक है, ये 1901 by loting it into space. It also follows the XPoSat mission, ठीक है, जो कि launch हुआ था on January 1st to become only the world's second X-ray polarimetry satellite and 8 years after AstroSat, ठीक है, which reached, मतलब जो पहला मिशन था ultimately फिर वो हुआ AstroSat। आपको समझना भी है साथ साथ में, है ना, सिर्फ पढ़ना नहीं है उसको। अगर ये सेकंड मिशन है, कौन सा वाला, XPoSat, if XPoSat is the second mission, तो फर्स्ट मिशन that was AstroSat, ठीक है, AstroSat। उसके 8 साल बाद जाके XPoSat मिशन आया था, राइट। फिर बोलता है विच रीच्ड सेवरल हाइज ऑफ इट्स ऑन। An important issue with such achievements is public perception, कि पब्लिक की क्या परसेप्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा इसने बता रखा है साथ में। For example, while Aditya L1 and AstroSat are big strides from India's point of view, they pale in comparison to the imaging abilities of the James Webb Space Telescope। अब लोगों को लगता है कि ये इमेजेस लेगा, right? कि इसका मेन रोल है सन की इमेजेस लेना, right? तो किससे फिर इसको कंपेयर किया जाता है, दैट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप व्हिच इज ऑपरेटेड बाय 3 स्पेस एजेंसीज, येट मैनी कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट द इंडियन स्पेसक्राफ्ट टू कैप्चर हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स ऑफ द कॉस्मोस एंड आर डिसइल्यूजन्ड व्हेन इट डज नॉट, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है इट विल टेक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स ऑफ कॉस्मोस, और फिर वो डिसइल्यूजन, मतलब इस डिसइल्यूजन होंगे जबकि जब वो पिक्चर्स ऐसी नहीं लेगा। दिस इज नॉट फियर, सेटिंग असाइड द फैक्ट दैट नॉट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर इमेजर्स, इसरो कैन डू मोर टू बाय एक्सपेंडिंग इट्स ऑन एंड इट्स कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स पब्लिक आउटरीच एफर्ट्स सच एज बाय होस्टिंग ओपन डेज फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक मिशंस एंड कमीशनिंग साइंस कम्युनिकेशन ऑन न्यू रिजल्ट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब अब इस परसेप्शन को ब्रेक करने के लिए व्हाट इसरो कैन डू, इसरो कैन होस्ट सम ओपन डेज फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक मिशंस, ठीक है, कुछ होस्ट कर सकता है, ठीक है, जिसमें कि पब्लिक की इंटरेक्शन बढ़ जाएगी, राइट। और फिर वहां पे कमीशन कर सकता है साइंस कम्युनिकेशन ऑन न्यू रिजल्ट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, राइट। एवरीवन शुड बी एबल टू सेलिब्रेट अ न्यू हाई बट especially the people at large, so ISRO should also consider including components on missions that feed public interest। मतलब जब भी मिशन कुछ लॉन्च करें तो उनको थोड़ा सा पब्लिक इंटरेस्ट को भी दिमाग में रख के उस मिशन को लॉन्च करना चाहिए, राइट। ये एक सजेशन दे रहा है अल्टीमेटली। अब यहां से देखा जाए ना तो एक काइंड ऑफ एक सजेस्टिव यहां से एक टोन आ रही है, राइट। ओके, अब सजेस्टिव टोन है बट सजेस्टिव भी किस वे में, एक उसको जो इसरो ऑर्गेनाइजेशन है उसको राइटर क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है कि हाउ इसरो कैन एंगेज पब्लिक, राइट। ओके, ऑल दीज एफर्ट्स विल रिक्वायर funds, but considering the love ISRO has been getting from the government of late, it may just be a matter of asking. मतलब आज के टाइम में जैसा इसरो को सपोर्ट मिल रहा है, अगर इसको इसरो इसके लिए बात करेगा गवर्नमेंट से, डेफिनेटली गवर्नमेंट विल हेल्प, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, किसके बारे में था ये हमारा जो टॉपिक था दैट वाज अबाउट आदित्य L1 मिशन, ठीक है। थोड़ा सा आपको एक करंट अफेयर का भी टॉपिक है, ये काफी ज्यादा हॉट टॉपिक है, तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि इसके थ्रू आपको थोड़ा सा अवेयरनेस भी पता हो चले और अल्टीमेटली हमें कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करें, राइट। चलिए फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, बोलता है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आदित्य L1 मिशन एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, कि प्राइमरी उसका मिशन क्या है। अब अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा ऑप्शंस की हेल्प लेनी है, राइट। आप कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं फाइंड करेंगे। फर्स्ट इज टू कंडक्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द अर्थ सरफेस, एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज अबाउट सन, ठीक है। ये एक सन का मिशन है, राइट। टू स्टडी द सन यूजिंग 7 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग कोरोनाग्राफ, ठीक है। कोरोना सन की लेयर होती है जो कि आउटरमोस्ट लेयर होती है, एंड एन अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। हमने पढ़ा था ना, कि एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ओके, सो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, ये देखिए। अब ये जो सोलर मिशन है मतलब सन के रिगार्डिंग है ये मिशन, एंड इट विल स्टडी द सन विद 7 इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और 7 इंस्ट्रूमेंट होंगे, कोरोनाग्राफ टू स्टडी द अपर मोस्ट लेयर्स ऑफ द सन्स एटमोस्फेयर, स्वीट एंड अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, एक अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भी इसमें होगा, राइट। सो यहां से आपको पता चल गया कि जो इसका राइट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टिल आप देख सकते हो, टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ ऑफ ऑन अदर प्लैनेट्स, नहीं, लाइफ को एक्सप्लोर करने नहीं गया है। टू मैप द ग्रेविटेशनल फोर्सेज विद इन द मिल्की वे गैलेक्सी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है वाई वॉज द L1 लैग्रेंज पॉइंट चोजन एज द डेस्टिनेशन फॉर द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट, कि जो L1 लैग्रेंज पॉइंट था इसी को क्यों चूज करा गया एज अ डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है, फॉर द आदित्य L1 मिशन या स्पेसक्राफ्ट के लिए, बताइए। अब फर्स्ट जिसका ऑप्शन देखिए, इट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट इन स्पेस टू द अर्थ। क्या ये स्पेस मतलब जो अर्थ के स्पेस है, इन स्पेस टू अर्थ मतलब अर्थ से अगर हम स्पेस की तरफ जाएं, क्या ये क्लोजेस्ट पॉइंट है, अलोइंग फॉर इजी कम्युनिकेशन। या फिर सेकंड ऑप्शन देखिए, इट ऑफर्स एन अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन एंड द स्पेसक्राफ्ट, देयर एक्सपीरियंसेस मिनिमल ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द अर्थ एंड सन। थर्ड पॉइंट देखिए, इट इज द ओनली पॉइंट इन स्पेस वेयर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्टडीड इफेक्टिवली। या फिर डी पॉइंट है, इट इज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर प्लैनेट्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। बताएंगे साथ में, आप भी ट्राई करेंगे इसका आंसर क्या होगा। ओके, एक बार हम वापिस से, अब इसी चीज को मैं आपको हाईलाइट कर रहा था। अगर आप स्टार्टिंग में इनिशियली अगर आप इसके कीवर्ड्स नोट कर लेंगे, ठीक है ना, कीवर्ड्स नोट कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। किसके रिलेटेड, जब भी आप इसके सॉल्यूशन को, कीवर्ड्स को दिमाग में रख के जब आप रीड करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप साथ के साथ में इसके आंसर्स को मार्क कर सकते हो, ठीक है, वहां पे। अब सेकंड हमारा जो क्वेश्चन था उसमें क्या है, कि जो L1 लैग्रेंज पॉइंट है इसी को क्यों डिसाइड करा गया कि यहां पे ही जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है वो स्टे करेगा, क्यों। ये देखिए, इसरो पिक्ड द L1 लैग्रेंज पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ इन द सन अर्थ सन डायरेक्शन एंड वन ऑफ 5 लैग्रेंज पॉइंट्स इन द अर्थ सन सिस्टम। ये जो अर्थ और सन के बीच में जो 5 लैग्रेंज पॉइंट्स हैं उनके बीच में से ये एक सिस्टम है, ठीक है। बिकॉज क्यों पिक करा, बिकॉज द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द टू बॉडीज इंटरैक्ट सच दैट अ स्मॉलर बॉडी हियर विल नॉट। अब जैसे ये स्पेसक्राफ्ट है, ये एक स्मॉलर बॉडी है, राइट, तो जो स्मॉलर बॉडी होगी विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट टग टुवार्ड्स ईदर। अब यहाँ पे नेट टग मतलब कि ज़्यादा उस पर फोर्स नहीं लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी मिनिमल, ये इसका बोलने का मतलब है, राइट। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, बिकॉज इट ऑफर्स एन अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन। एक तो इस पॉइंट से अनइंटरप्टेड, उसने लिखा था ना अनफैटेड व्यू, याद करो अनफैटेड व्यू लिखा था ना, तो अनफैटेड का मतलब जो अनइंटरप्टेड, वहां से क्लियर एक पिक्चर मिलेगी हमें सन की। अलॉन्ग विद दैट जो हमारा स्पेसक्राफ्ट होगा इट विल एक्सपीरियंस मिनिमल ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द अर्थ एंड सन, क्योंकि अर्थ और सन दोनों के पास अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, वो हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलिए जरा, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फिर, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स अ कंपैरिजन बिटवीन इंडियाज आदित्य एल1 मिशन एंड द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एज डिस्कस्ड इन द पैसेज, कि इनके दोनों के बीच में क्या हम एक रिलेशन फिट कर सकते हैं, क्या बात करी जा रही थी इसमें। द फर्स्ट ऑप्शन इज Aditya L1 and the James Webb Space Telescope have smaller imaging capabilities and are equally celebrated for their high resolution photographs of the cosmos. क्या ये true होगा? नहीं, because जो Aditya L1 मिशन हमने लॉन्च करा है इसका पर्पस फोटोज लेना नहीं है, ठीक है, और उसने बोला भी था कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उससे कंपेयर करा गया था कि उतनी ज्यादा लौकिक परसेप्शन का वो जो हमने पॉइंट पढ़ा था कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट जो है इट इज नॉट दैट कैपेबल टू टेक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स ऑफ सन, राइट, एज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टेक्स, राइट। सेकेंड पॉइंट बोलता है वाइल बोथ आदित्य L1 एंड एस्ट्रोसैट आर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स फॉर इंडिया, दे डू नॉट मैच द इमेजिंग एबिलिटीज ऑफ द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विच इज ऑपरेटेड बाय अ कंसोर्टियम ऑफ 3 स्पेस एजेंसीज, ठीक है, विच इज ऑपरेटेड बाय अ कंसोर्टियम ऑफ 3 स्पेस एजेंसीज, ये हमारा पॉइंट हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आदित्य L1 सरपासेस द जेम्स वेब टेलीस्कोप इन टर्म्स ऑफ, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, राइट। ऑप्शन डी देखिए, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन इसरो एंड 2 अदर स्पेस एजेंसीज मेकिंग इट कंपेयरेबल टू आदित्य L1 इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कैपेबिलिटीज, ये भी गलत होगा। 3 कंसोर्टियम एजेंसीज है बट इंडिया उसमें से एक नहीं है, तीनों के तीनों जो है फॉरेन कंट्रीज है, राइट। तो जो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, कि जो एस्ट्रोसैट और आदित्य L1 है ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं, बट अगर इसको लोग कंपेयर करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से, सो ऑब्वियसली जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है इसके पास में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स वहां पे ले सके, ठीक है। तो ये एक रिलेशन इसमें इन्होंने स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कि कंपेयर कर रही है बिटवीन इंडियाज L1 स्पेसक्राफ्ट मिशन और जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसके बीच में, राइट। ऑप्शन बी अगेन इसका राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज सजेस्टेड इन द पैसेज एज अ वे for ISRO to enhance public perception and appreciation of its space missions. Last में हमने पढ़ा था कि suggestions वहाँ पे author दे रहा था, right? उन्हीं suggestions में से एक suggestion होगा जो हमें यहाँ से choose करना है कि क्या suggestion हो सकता है जिससे कि जो public की क्या है perception है और appreciation है space missions को लेके उसको enhance किया जा सके, right? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, लिमिटिंग द पब्लिक्स एक्सपेक्टेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग टू ओनली दोज मिशंस दैट हैव अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन सिमिलर टू द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। लिमिटिंग द पब्लिक्स एक्सपेक्टेशंस, कि पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको लिमिट कर देना, एंड अंडरस्टैंडिंग द ओनली दोज मिशंस टू दैट हैव अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन। तो ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं कि सिर्फ पब्लिक की जो लिमिटेशंस जो एक्सपेक्टेशंस है उसको लिमिटेड कर दो और जो ग्लोबल के हिसाब से ही हमें चलना है, राइट। सेकंड बोलता है फोकसिंग सोलरली, मतलब ओनली ऑन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इग्नोरिंग द नीड टू फॉर पब्लिक आउटरीच, एंड ये भी गलत, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए, एक्सपेंडिंग पब्लिक आउटरीच एफर्ट्स, हमने पढ़ा था ना, उन्होंने बोला था, ये देखिए, चलो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एक्सपेंडिंग पब्लिक आउटरीच एफर्ट्स सच एज होस्टिंग ओपन डेज फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक मिशंस एंड रेगुलरली कमीशनिंग साइंस कम्युनिकेशन ऑन न्यू रिजल्ट्स। ये हमने पढ़ा था राइट, कि टाइम टू टाइम जो है वो स्पेसिफिक मिशंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए, ओपन डेज होस्ट करने चाहिए, ठीक है, कमीशंस रिलेटेड टू साइंस कम्युनिकेशन ऑन न्यू, ठीक है, रिजल्ट्स, कोई भी अचीवमेंट मिलती है, टू बेटर एंगेजमेंट एंड टू इन्फॉर्म द पब्लिक, राइट। तो ये राइट आंसर इसका होने वाला है। फोर्थ ऑप्शन बोलता है इन्वेस्टिंग ओनली इन मिशंस दैट गारंटी हाई रेजोल्यूशन, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली अगर आप सही से उसको ग्रेस्प करोगे, जो भी आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है, तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। और प्लीज़ याद रखिएगा कि पहले कीवर्ड्स को नोट कर लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे व्हेन यू विल सॉल्व एग्जामिनेशन, ठीक है। कीवर्ड्स को नोट करिए पहले, देन फाइंड कीवर्ड्स इन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। उसके बाद फिर क्वेश्चंस को पढ़ के वापस अपने कॉम्प्रिहेंशन पर आइए, राइट। फोर्थ का ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग इसरोज रीसेंट अचीवमेंट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। किस टोन में बात करी इस ऑथर ने? क्या पेसिमिस्टिक एंड क्रिटिकल थी, न्यूट्रल एंड इंफॉर्मेटिव थी, ऑप्टिमिस्टिक एंड एनकरेजिंग थी, या फिर इनडिफरेंट एंड डिटैच्ड? बताइए कौन सी टोन में ऑथर ने बात करी। देखिए पेसिमिस्टिक तो नहीं होने वाली, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक काफ़ी ज़्यादा है ना, क्रिटिकल भी नहीं है, क्रिटिक मतलब उसने व्यंग्य नहीं कसे वहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रल भी नहीं लगा हमें, क्योंकि लास्ट में सजेशन, जब भी सजेशन देगा तो न्यूट्रल कैसे हो सकता है, राइट। सजेशंस वहाँ पे हमें लास्ट में देखने को मिले कि पब्लिक की जो इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए, व्हाट शुड इसरो डू, राइट। फिर हमने देखा ऑप्टिमिस्टिक, येस एब्सोल्युटली दिस इज ऑप्टिमिस्टिक, एंड एनकरेजिंग, क्योंकि एनकरेज करा इसरो को ऐसे और मिशंस को लॉन्च करने के लिए, और साथ में व्हाट इसरो कैन डू टू गेन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, राइट। और इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसमें कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं है, या फिर डिटैच्ड, तो वैसे वाला भी नहीं था। सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉम्प्रिहेंशन समझ आया होगा, ठीक है, कैसे इसको अप्रोच करना है ये भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। और प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जहाँ से भी आपको कॉम्प्रिहेंशंस मिलते हैं, ठीक है, उनको रिवाइज करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, खुद से उनको पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए। ये जो आपके पास में 10 to 15 डेज इस मंथ, मान लो अराउंड 20 डेज, ठीक है, 20 डेज इस मंथ के लगा लो, ठीक है, अच्छे से। ट्रस्ट मी, रीडिंग के अगर ऊपर आप फोकस करोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रीडिंग पर ही फोकस करना है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन आपको आरसी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस बार, ठीक है। मतलब हर बार आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में ही क्वेश्चंस आए हैं। इससे पहले हमने जो वोकैबुलरी पढ़ी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़े, दोज विल हेल्प यू इन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो, राइट। अगर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, इफ यू आस्क्ड अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तब आप उन चीज़ों को करने के लिए सक्षम होंगे। बट अल्टीमेटली आपकी रीडिंग जो स्किल्स है, रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट आप डेवलप करिए, 20-21 दिन लगा के सही से कंसिस्टेंटली पढ़िए, ठीक है। फिर आप अपने में चेंज देखोगे, और सबसे बड़ी बात जो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, राइट, कॉन्फिडेंस इज द की टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। सो जब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करके जाओगे और उस कॉन्फिडेंस के साथ में आप एग्जाम में बैठोगे, अल्टीमेटली वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। जब तक आप इस पर इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक ये सिर्फ ज्ञान की बातें हैं, इंप्लीमेंट करोगे तो वो आपका ही भला इसमें, राइट। थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा अभी अभ्यास 2.0 के बारे में। एक 75 डेज का ये कोर्स है, राइट, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। अब इसके की फीचर्स क्या क्या हैं एक बार वो समझिए। सबसे पहले तो आपको, एक तो मैंने बता ही दिया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप की क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। और जो भी आप जिस भी क्लासेस में इंटरेस्टेड हो गया, ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन करके फिर आप ऑफलाइन आओगे, राइट। तो सीसेट की क्लासेस आपको मिलेंगी, PDF एंड नोट्स ये आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टेस्ट सीरीज विच इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट, टेस्ट सीरीज पर फोकस करिए और टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। मॉक टेस्ट जितने आप दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा एग्जाम से पहले, राइट। और साथ में आपको मेंटरशिप, क्योंकि जब आप अपनी तैयारी करते हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो और क्या करके आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, वहाँ पे मेंटरशिप का बड़ा रोल होता है, राइट। तो आपको अल्टीमेटली साथ में मेंटरशिप भी मिलेगी। ओके, सो ये इसके की फीचर्स हैं। Whosoever is interested in this particular course, you can buy it and you can prepare along with same, right? So this is all about today's session. मिलते हैं next session में. Till then, take care, bye bye, ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत.